I'm Yadindra Singh and this is my first video on YouTube based on self-confidence. आप भी सोचते होंगे कि self-confidence के ऊपर तो YouTube पे पहले ही हजारों videos पड़ी हैं, तो फिर मैं क्यों ये video बना रहा हूँ? पता क्यों? क्योंकि self-confidence ही एक ऐसी quality है जो आपको, मुझको, सबको आगे बढ़ने में मदद करती है। चाहे आप एक student हो, चाहे आप job में हो, चाहे आप कोई business कर रहे हो, हर जगह आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही काम आता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बहुत नजर आती है हर जगह। अगर कोई स्टूडेंट है वो भी बोलता है सर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर कोई जॉब में हो तो वो भी सारा दिन इसी बात पे, लो कॉन्फिडेंस पे बात करता है। तो बिजनेस की तो बात ही मत करो ना, बिजनेस तो कॉन्फिडेंट बंदा ही कर सकता है, कॉन्फिडेंस के बिना बिजनेस करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अब हमने ये बात तो समझ ली कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सबको चाहिए, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के क्या तरीके हैं? आप YouTube पे वीडियोस देख लो, उसमें हजारों तरीके बताए गए होंगे। आप किताबें पढ़ लो, उसमें हजारों तरीके बताए गए होंगे, लेकिन आप सब तरीके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे तीन तरीके जो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला तरीका, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबॉडी। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। जरूरी नहीं कि जो तरीका आपके दोस्त को आगे लेके जा रहा है वही तरीका आपको भी आगे लेके जाए। जरूरी नहीं कि जो दोस्त आपसे अच्छा कर रहा है सिर्फ वही वो काम कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आप भी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको अपने तरीके से करना पड़ेगा। किसी और से कंपेयर मत करो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप अप होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप फिगर आउट करो कि आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जड़ क्या है, कारण क्या है। तो मैं एक कॉमन सा कारण मानता हूं जो सबकी जिंदगी में होता है, वो है डर, फियर, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन। एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का जो फियर होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, वो जो फेलियर का डर है ना, वो कॉन्फिडेंस को लो करता है। एक जॉब करने वाले का और एक बिजनेस करने वाले का रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर होता है। अगर वो डर से ऊपर उठ जाए, अगर वो डर से, एक स्टूडेंट इस डर से ऊपर उठ जाए कि फेलियर जिंदगी में होती है, फेलियर को अगर एक्सेप्ट करना सीख गए हम, रिजेक्शन को हम एक्सेप्ट करना सीख गए, तो अपना कॉन्फिडेंस तो अपने आप बिल्ड हो जाएगा। अब हमने दो तरीके तो डिस्कस कर लिए, तीसरा और आखिरी तरीका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बोला जाता है ना, प्रैक्टिस करने से एक आदमी परफेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको परफेक्शन के पीछे भागने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको धीरे 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 आपको आगे लेके जाती है, और प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब हमने तीनों तरीके जो डिस्कस कर लिए, सबसे पहला क्या था, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबॉडी, अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। दूसरा तरीका क्या था, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जड़ पकड़ो, आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ लो होता है। और तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा जरूरी मानता हूं मैं, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 को क्यों ज्यादा, इतना ज्यादा मैं बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोल रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। असली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रैक्टिस से ही होती है। आप कोई भी काम करोगे ना, तो उसमें प्रैक्टिस सबसे ज्यादा अपना रोल अदा करेगी। प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, फर्स्ट वीडियो। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे आगे देखो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और औरों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू, योर्स यादिंद्र सिंह।